ए वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो कैसे हो दोस्तों? चलिए माय डियर फ्रेंड, दिस इज अगेन ए रिकॉर्डेड लेक्चर। इसको प्रीमियर किया जा रहा है एट 10 PM। तो मैं रहूंगा आपके साथ ड्यूरिंग दिस लेक्चर, एंड ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी सारे लोग। आई नीड ए गुड रिस्पॉन्स हेयर। इफ यू वॉन्ट मी टू गो टिल ऑल द लेवल्स, देन आई नीड ए गुड स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्वागत है आपका। टुडे इज लेक्चर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन माय डियर फ्रेंड। तो मैं आपका दोस्त ऐश्वर्य पढ़ाता हूं आपको गेट ESC के लिए। आई हैव डन माय एमटेक फ्रॉम IIT दिल्ली एंड बीटेक फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। चार बार मैंने गेट क्वालिफाई किया है विद माय बेस्ट AIR 226। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई डू हैव 6+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड 2 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, एंड ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स व्हिच आई एम बेसिकली टेकिंग ऑन Unacademy official YouTube channel, Unacademy special classes, as well as on Unacademy Plus. Okay, so theory of structure, RCC, geotechnical engineering, strength of material, और engineering mechanics को मैं कुछ अलग नहीं मानता, ये सब इन्हीं में छुपा हुआ है। Structure, RCC, strength of material, इन्हीं के अंदर छुपा रहता है अपना engineering mechanics. That is why you are not finding it there. Okay. And now come to this beautiful code S10. My dear friend, कोई भी Unacademy Plus subscription अगर आपको चाहिए होगा, then you can always apply S10 in order to avail 10% off there. Na? So कोई भी मतलब कोई भी, not only for GATE and ESC. If any of your friend, relative, younger brother, sister, etc. are in need of any Unacademy Plus subscription, which is in 30+ segment, like SSC, JEE, bank services, IIT, JEE, CBSE, medical, UPSC, civil services, CAT, CLAT, etc. So, आप promote कर सकते हो इस code को each and every segment में. Okay? Now, question comes, why Unacademy Plus? So, all these are the advantages of Unacademy Plus subscriptions. Like you can say, you are having a daily life classes. No doubt, YouTube पे भी आपको हम लोग daily life classes दे रहे हैं, but there is a difference. Difference not in terms of content, my dear friend. Difference is in terms of interaction. Okay. Crash courses यहाँ पे हम चलाते हैं, ठीक है। Again मैं कहूँगा YouTube में भी crash courses है, but interaction level में huge different है. Weekly test, which is very much missing in your YouTube sessions. Doubt solving sessions, which is again very much missing in your YouTube sessions. दोनों ही languages में courses चलते हैं, English में भी और हिंदी में भी, but आपके YouTube में वी आर ट्राइंग टू यूज द मिक्स्ड लैंग्वेजेस एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अगेन मिसिंग इन योर YouTube सेशन। ओके, सो कंटेंट वाइज यू विल बी गेटिंग अ लॉट, बट अगर आपको कुछ प्रैक्टिस करना है, कॉम्पिटिशन में रहना है, देन आई विल प्रिफर Unacademy Plus. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेक्चर के एंड में मैं आपसे प्राइस भी शेयर करूंगा कि वट इज द प्राइस फॉर Unacademy Plus. एंड यस, अगर इतने से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो मेरे दोस्तों, so in that case you can even go for iconic subscription. Now what is iconic subscription? Just see here. In iconic subscription, plus के सारे features तो आपको मिलते ही हैं, but उसके अलावा आपको मिलता है specialized notes and practice sheets. Okay, personal coach एक आपको assign कर दिया जाता है, study planner आपको यहाँ पे दिया जाता है, rank booster sessions यहाँ पे होते हैं आप लोगों के, और personalized test analysis भी आपको करवाया जाता है। मतलब कह सकते हो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज जस्ट ए सुपर सेट ऑफ प्लस, और यू कैन से प्लस इज ए परफेक्ट सबसेट ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। सो ड्यू टू ऑल दीज एडिशनल फीचर्स, द प्राइस ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड, है ना। तो एग्जैक्ट प्राइस के लिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कितना आपको पे करना है। चलिए अब आते हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लेक्चर नंबर 2 पे। एंड आई होप माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा लग रहा होगा। तो मेरे पिछले 2-3 सेशंस में आवाज का काफी इशू आ रहा था, इकोइंग हो रही थी। आई होप दैट थिंग विल बी एलिमिनेटेड टुडे। आई हैव रिज्यूम्ड इन माय ओरिजिनल स्टूडियो, सो लेट्स सी द अनाउंसमेंट पार्ट। सो व्हाट आर द अनाउंसमेंट? कल सुबह आपका होगा लेक्चर ऑन क्रैश कोर्स। आज नहीं हो पाया था, और टॉपिक रहेगा मोहर सर्कल। मोहर सर्कल टाइमिंग्स फॉर दिस वुड बी 7 AM टू
8:30 PM, 7 से 8:30 का ये, सॉरी 8:30 AM, इतना लंबा नहीं पढ़ा सकता भाई मैं, 7 AM to 8:30 AM, दिस वुड बी द टाइमिंग ऑफ क्रैश कोर्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पिछले टॉपिक्स के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो, जो कि सारे के सारे में मैं लाइव आऊंगा। एंड यस, ये वीडियो भी आपको लाइव नहीं मिलेगा, इट विल बी प्रीमियर। ओके, एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका रहेगा ऑन टाइम, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका टुमारो, एंड टाइमिंग वुड बी 10 PM to 11:15 PM। तो कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। कल आप में से किसी ने पूछा भी था, सर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करवाओगे? मैंने कहा बिल्कुल करवाऊंगा, सही समय आने दीजिए। तो कल सही समय है पढ़ने का रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं लेक्चर पे। सो वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑन द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और कल हमने देखा आपका, अच्छा सिलेबस और देख लीजिए, सिलेबस एक्चुअली जो डिसाइड है आपके सिविल इंजीनियरिंग के लिए, सो दीज आर द सिलेबस, सिस्टम ऑफ फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम इक्वेशन एंड इंटरनल फोर्सेस इन द स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब भी पढ़ेंगे। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईएससी में तो पहले भी आता था ये स्ट्रक्चर्स के अंदर, बट आजकल इसको गेट में भी पूछा जा रहा है। फ्री वाइब्रेशंस ऑफ अनडैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ओके, सो ऑल दिस विल बी कवर्ड इन योर दिस लेक्चर। बट जैसे कि कल मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट देखी, सब काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स का कुछ होगा क्या, तो वह यस वो भी होगा, बट यस फर्स्ट प्रायोरिटी आई एम गोइंग टू गिव टू दीज टॉपिक्स। आफ्टर दैट आई विल टेक सम एड ऑन लेक्चर इन दिस सिक्वेंस ओनली। ठीक है, सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आई विल स्टार्ट योर काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स पोर्शन। ठीक है, बट दैट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर करंट सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर करंट सिलेबस, बट वो भी आपने बोला तो करवाऊंगा, इजंट इट? हो सकता है किसी और फॉर्म में, एप्टीट्यूड वगैरह की फॉर्म में वो सब चीजें यूज हो जाए। चलो, अब कल हमने पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था भाई लोगों बताओ? आऊंगा आप लोगों के साथ कमेंट में लाइव, पूछूंगा क्वेश्चन आपसे। कल मैंने पढ़ा था फोर्स, विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके यूनिट देखी थी, इसके डायमेंशन देखे थे, और सीखा था किस तरीके से वी कैन फाइंड रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स और फोर्सेस, एंड सीखा था कि किस तरीके से इसका हम लोग निकालते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ओरिएंटेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर दो वेक्टर हैं ए एंड बी, इफ आई वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस, इफ आई वांट टू फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम लोगों ने असाइन किया था आर वेक्टर से, देन मैग्नीट्यूड वाइज आर वाज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वाइज 2ab cos theta, वेयर थीटा वाज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एंड tan theta की अगर बात करूं, tan phi की अगर बात करूं, तो tan phi वाज इक्वल टू b cos theta डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, सॉरी बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। कुछ ऐसा ओरिएंटेशन लिया गया था वेक्टर्स का यस्टरडे। लेट्स से दिस इज योर वेक्टर नंबर ए, लेट्स से दिस इज योर वेक्टर नंबर बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो ओरिएंटेशन लिया था दैट वाज लाइक दैट ए एंड बी। ओके, सो tan phi वाज बी sin थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा, इजंट इट? तो रिजल्टेंट ऐसे और रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन इस फॉर्मूले से। तो ये मैंने कल आपको करवाया था, आज इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस होंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और, है ना? सो टुडेज टॉपिक इज वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, है ना? तो किस तरीके से वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम। जैसे मेरे दोस्तों एक बात सुनो, सपोज मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट है, लेट्स से 2, 4, लेट्स से
फोर कॉमा टू ले लो, फोर कॉमा टू, सो दिस इज योर वन टू थ्री फोर एंड लेट्स से इट इज वन टू थ्री. मैंने यहां पे एक कोऑर्डिनेट लिया फोर कॉमा टू, तो ये आ गया कहीं यहीं कहीं. ओके, नाउ इफ आई वांट टू एक्सप्रेस दिस कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर, देन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर का मतलब है कि जो आपका यहां से लेकर इधर तक को टारगेट करे. तो अगर मैं इसके लिए एक वेक्टर लिखता हूं, एक वेक्टर बनाता हूं, देन इट विल लुक लाइक दिस. सो इफ दिस इज माय ओरिजिन ओ एंड इफ दिस इज माय ओरिजिन यू कैन से ए, सो देन इन दैट केस माय वेक्टर ओ ए यू कैन से. इसको ओ ए का आप एड्रेस कैसे डिसाइड करोगे? इट इज फोर यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड टू यूनिट्स इन वाई डायरेक्शन, इजंट इट? कुछ ऐसे इसको आप डिफाइन करोगे. तो ये फोर यूनिट, ये यूनिट इन एक्स डायरेक्शन एंड यूनिट इन वाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक स्पेशल नाम है विच इज डिनोटेड बाय आई जे एंड के. I is the unit vector along x direction, J is the unit vector along y direction and K is the unit vector along z direction. So I bole to x, y bole to J and z mein kya hota hai? K. So if I want to represent or rewrite this OA vector in this unit form system, then it would be 4i plus 2j. है ना? तो कल को अगर मैंने आपको कोई वेक्टर दिया, लेट से वेक्टर आर, और मैं बोल रहा हूं कि भाई ये जो वेक्टर आर है ये आपका 3i प्लस 2j है, तो इसका मतलब क्या है कि आर 3i प्लस 2j कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ये ऐसा रहा होगा. अरे समझ में आ रहा भाई कि नहीं आ रहा? बोलो, ये टाइम ही खराब कर रहा हूं मैं. 3i प्लस 2j, so this is nothing but your vector r, isn't it? तो कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं represent. तो इस तरीके से हम करेंगे अपने vectors को represent in the rectangular system, है ना? अब देखो, अगर कभी कभार आपको vector इस तरीके से दिया हुआ आ जाए, तो आपको पता है this OA vector is nothing but this blue line only, है ना? इसके पास, इस arrow के पास आप देख सकते हो इसका magnitude है, इस arrow के पास direction भी है, है ना? आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हो ना. अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया मैथ लगा के मुझे बताओ कि यार एक्स एक्सिस से ये वेक्टर कितने एंगल पे है या इस ओए का लेंथ कितना है, तो आप निकाल नहीं दोगे क्या? आप बोलोगे सर ये क्या क्या सवाल पूछ रहे हो, इतनी हाई फाई चीजें पढ़ाने के बाद आज आप हमसे पूछ रहे हो कि ओए की लेंथ कितनी होगी, ओए का एंगल कितना होगा. तो लेंथ तो आप ऐसे ही निकाल दोगे. लेंथ आप बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ओए इज नथिंग बट दिस स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल प्लस दिस स्क्वायर, है ना? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर. तो कहने का मतलब ये है, सो दिस इज कोफिशियंट ऑफ आई मतलब एक्स प्लस कोफिशियंट ऑफ बड़ा वाला रूट है ये, I का कोफिशियंट प्लस J का कोफिशियंट. तो अगर मैं अपने किसी जनरल वेक्टर R को रिप्रेजेंट करूं AI प्लस BJ से, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं आप लोगों को कि उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट I का कोफिशियंट स्क्वायर अंडर रूट J का कोफिशियंट स्क्वायर, इजंट इट? कोई डाउट हो तो यहां पे बोल दो एक बार, मैं यही हूं आपके साथ चैट में, कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा. क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप इस वेक्टर ओए का जिसको आपने रिप्रेजेंट किया है 4i प्लस 2j से, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, है ना? तो मैग्नीट्यूड आ गया, है ना? तो एक चीज मुझे यहां पे पता लगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर। अगर 3D होगा तो के भी लगा देना भाई, अगर 3D होगा तो क्या करना, के भी लगा देना, है ना। पर 2D में समझना आसान है, इसलिए मैं 2D के एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए और देखिए, अगर मैं पूछूं कि यार वेक्टर के पास तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी है, तो इसकी दिशा आप मुझे बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? सो वेक्टर की अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज गोइंग टू बी इट्स डायरेक्शन, देन हाउ यू गाइस आर गोइंग टू कैलकुलेट, तो आप बोलोगे सर फिर से आपने आसान सवाल पूछ लिया कि सर इसका एंगल निकालने में क्या दिक्कत है। मान लो ये एंगल मुझे यहां से निकालना है, लेफ्ट साइड इज फाई, तो यार टेन फाई जो होगा वो तो सिंपल है। अगर हॉरिजॉन्टल से निकालोगे, अगर आप बेस से निकालोगे, देन इट इज कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर आई डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ जे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई, इजंट इट। आप यहां बोलोगे कि टेन फाई जो होगा दैट इज सर ये होगा 2/4, मतलब 2 क्या है यहां पे, 2 है आपका कोफिशिएंट ऑफ आई, 4 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ जे, है ना, यही तो होगा। तो इस तरीके से आप अपना टेन फाइव निकाल दो, टेन फाइव हो गया 1/2 और टेन इनवर्स 1/2 इट्स गोइंग टू बी दी आंसर, है ना। और टेन इनवर्स 1/2 अगर आपको निकालना हो देन इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, वैसे क्या ही करोगे, चलो लिख ही देता हूं। सो एंगल वाइज दिस इज 26.56 डिग्री, सो हियर फाई इज इक्वल टू 26.56 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 26.56 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है, है ना। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो अगर आपसे कोई कल को ये भी बोल देना सी कि यार एक वेक्टर ड्रॉ करो, एक वेक्टर ड्रॉ करो जिसका मैग्नीट्यूड हो कितना, इसका मैग्नीट्यूड हो अंडर रूट यूनिट और जिसका एंगल हो बेस से दैट इज 26.56 डिग्री। तो आप जब इसको सॉल्व करके निकालोगे तो आप यही बोलोगे कि दिस वेक्टर इज नथिंग बट इन कार्टेशियन फॉर्म इट इज 4i + 2j। तो रिजल्टेंट निकालना हमें आ गया, रिजल्टेंट निकालना हमें आ गया, और ओरिएंटेशन ऑफ रिजल्टेंट एंगल इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ जे डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ आई फ्रॉम आई डायरेक्शन, दिस एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द आई डायरेक्शन, है ना, इन द एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है यहां तक? बता दो ईमानदारी से, कोई डाउट किसी को यहां तक, है ना। तो चाहे 4i + 2j देख करके आप एंगल या मैग्नीट्यूड निकालिए, या फिर मैग्नीट्यूड और एंगल के हिसाब से आप OA निकालिए, यू आर गोइंग टू गेट दी सिमिलर रिजल्ट माय डियर फ्रेंड, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, इजंट इट। चलिए अब देखो, कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, एक फॉर्म और देख लेते हैं कि आपको दे रखा होता है दो वेक्टर, एक दे रखा है आपको ए वेक्टर का पोजीशन ना, ए वेक्टर का आपको पोजीशन दे रखा है, या ये कह लो आपको दे रखा है ओए वेक्टर, इट इज 4i + 2i + 3j। आपको दूसरा वेक्टर दे रखा है ओबी, ओबी ये हो जाएगा आपका 3i + 5j। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैलकुलेट, क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। सब लोग करो इसको, सब लोग करो, सब लोग करो भाई इसको। मैं स्लो स्लो करूंगा क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में अपने सॉल्यूशन से पहले आपका आंसर देखना चाहता हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं स्लो। और अभी यहां मत देखो, है ना, बाद में रिवाइंड करके देख लेना, क्लियर है कि नहीं है। तो देखो मैंने कैसे किया इसको, मैं बोल रहा हूं मैं देखो, पर देखना नहीं है आपको। मुझे पता सबकी नजर यही है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा ये आपका हो गया ओरिजिन 0,0, ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहले OA बना लेते हैं भाई, OA है 2i + 3j, ये 2,3, दिस इज योर 2i + 3j। अच्छा अब आ जाते हैं किस पे, OB पे, OB है 3i + 5j, OB है 3i + 3, 4, 5, ये आ गया। ठीक है 1.5, 1.35, ये है, ये क्या हो गया, कहाँ है तू, ठीक है 3/2 5/3 इज 1.67, या तो ऐसा जाएगा कुछ, थोड़ा सा वेक्टर इधर हो गया। एक काम करते हैं इसको, थोड़ा सा ओवरलैपिंग सी थोड़ी हो रही है, तो एक काम करता हूं इसको मैं बना देता हूं 4i + 5j, 4i + 4j कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब थोड़ा सा एंगल दिख जाएगा ना हमें, सो दिस इज द कंसेप्ट, इट इज 4i + 4j। अभी एक फॉर्मुलेशन कर लेंगे फिर वाला भी हो जाएगा, है ना। सो दिस इज योर बी वेक्टर, दिस इज योर ए वेक्टर, एंड दिस इज योर बी वेक्टर। और मैंने आपसे क्या पूछा है, ए बी का मैग्नीट्यूड, ए बी भी एक वेक्टर होगा। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज ए बी वेक्टर, व्हाट इज ए बी वेक्टर हियर, व्हाट इज गोइंग टू बी ए बी वेक्टर। निकालना बहुत आसान है, कैसे, मान लो आप 0 से A गए, फिर मान लो आप A से B गए, तो वेक्टर की भाषा में, वेक्टर की भाषा में दिस इज नथिंग बट 0 से B जाना ही होता है। दोस्त मैं कहना यह चाहता हूं कि 0 to A, ओरिजिन टू A, यहां से यहां गए प्लस A से B गए, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 0 से B जाना। अरे भाई पहले आप यहां से यहां गए हो, फिर आप यहां से यहां आए हो, अल्टीमेटली आप शुरू से यहीं तक तो पहुंचे हो, सो दिस इज इक्वल टू अभी। सो माय डियर फ्रेंड, ए बी इज डिफाइंड एज OB - OA। व्हाट इज OB? OB इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। व्हाट इज OA? OA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देखो ना, A का पोजीशन ही तो बता रहा है, OB क्या बता रहा है, B का पोजीशन ही तो बता रहा है। सो इफ आई वॉन्ट टू राइट AB, देन आई कैन राइट इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B - पोजीशन वेक्टर ऑफ A। मेरी फोटो तो ओवरलैप नहीं हो रही ना,
हाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो ये मुझे पता चला यहाँ पे, इसको थोड़ा हम डब्बे में बंद कर लेते हैं। तो कल को अगर आपने कोई भी पोजीशन वेक्टर लिखना हो, लेट से आपको लिखने का मन किया पी क्यू वेक्टर, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे? आप बोलोगे सर ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये तो इसका मतलब हुआ। अब यहां देखिए ये ए बी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार ए बी वेक्टर मुझे ऐसे ही बताओ, तो आप बोलोगे सर ये फिर से आपने तामझाम शुरू कर लिया। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था? ये वाला कोऑर्डिनेट 2 था। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था? ये वाला कोऑर्डिनेट 4 था। तो यार ए से लेकर बी में जो एक्स में अंतर आया वो कितने का आया? 2 का आया, है ना। तो आप कह रहे हो सर ये तो मैं ऐसे ही लिख देता हूं कि ए बी में जो एक्स दौड़ा, जो एक्स दिशा में दौड़ा वो दौड़ा यहां से यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया ये मेरे पास 2i। सिमिलरली अगर मैं जे का देखूं तो ए का वाई कितना था? 3 था। बी का वाई कितना था? 4 था। तो 3 से 4 गया वर्टिकल डायरेक्शन में, यही ऊपर गया, तो इट इज इक्वल टू प्लस जे। सो आई कैन राइट इट इज 2i+j, 2i+1j, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी वैक्टर। या इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूं अगर, सो ए बी वैक्टर हेयर इज इक्वल टू पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए। सो वट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ बी? इट इज 4i+4j। वट इज पोजिशन वैक्टर ऑफ ए? इट इज 2i+3j, इट इज 2i+3j, सो इट इज अगेन 2i+j, इजंट इट। तो ये हो गया आपका ए बी, है ना। तो ए बी हो गया मेरे पास 2i+1j, इजंट इट। तो ए बी वेक्टर का मैंने आपसे पूछा कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, इस वाले मैग्नीट्यूड का हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन बता दीजिए। तो आप बता सकते हो इस वाले का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इस वाले का मैग्नीट्यूड होगा सर कितना होगा? ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई के कॉफिशियंट स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशियंट स्क्वायर, इट इज √5। और अगर रही इसके एंगल की बात, तो टेन फाइव हॉरिजॉन्टल से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जे का कॉफिशियंट अपॉन 1 का कॉफिशियंट। सो एंगल इज अगेन 26.56 डिग्री। हो गया काम खत्म, इजंट इट। कोई डाउट किसी को यहां तक? सो लाइक दैट वी कैन वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई ये मैग्नीट्यूड दे दे, अगर आपको कोई ये एंगल दे दे, तो आप इसको उल्टा करके, आप इसको उल्टा करके ओरिजिनल वेक्टर भी निकाल सकते हो। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वेक्टर अगर आपका आ रहा है, दिस ए बी वेक्टर इफ इट इज इक्वल टू 2i+j, सो इट इज एज इक्वलेंट एज कि अगर मैं ए बी वेक्टर को यहां बनाऊं, विच ऑल्सो मीन्स 2i+j। सो दिस एंड दिस वेक्टर आर डिट्टो सेम, आर एग्जैक्टली सेम। दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए बी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए बी। मैं वेक्टर को चाहे यहां बनाऊं चाहे यहां बनाऊं, इस दोनों वेक्टर का महत्व सेम है। क्योंकि क्योंकि क्यों है सेम? इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है इस वाले वेक्टर के साथ, इसका डायरेक्शन भी बराबर है। जितना एंगल ये यहां से बना रहा है उतना ही एंगल ये भी यहां से बना रहा है, 26 डिग्री 26 डिग्री, इजंट इट। एंड यस अगेन बैक इंटरपोलेशन आई कैन ऑल्सो डू। अगर मेरे को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे करके मेरे से वेक्टर पूछा जा रहा है, देन आई कैन फाइंड दैट एज वेल, इजंट इट? इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में लिख दो जल्दी से भाई, हाँ या ना। कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके ठीक है। तो ए बी वेक्टर आ गया। अब नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन करना मेरे पास बहुत आसान है। लेट्स से हाउ आई कैन एड एडिशन ऑफ वेक्टर,
बोला सर कल ही तो पढ़ा है आपने, वेक्टर एडिशन मतलब रिजल्टेंट निकालना, विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा एंड व्हाट इज टैन फाई विद रिस्पेक्ट टू बेस वेक्टर, इट इज कितना हो जाएगा बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ठीक है ये। आज क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, आज हम सेम काम करते हैं, बट आज का जो हम काम करेंगे पहले रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से भी इसको हम वेरीफाई करेंगे, है ना। तो मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, कितने कितने, एक हो गया मेरे पास वेक्टर ए, है ना, और ये वेक्टर मान लीजिए, या ए वेक्टर मान लीजिए, ये है मेरे पास 2i प्लस 4j, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास लेट्स से b, दिस इज 4i प्लस 2j, और मैं निकालना चाहता हूं इस बार मैं क्या निकालना चाहता हूं, व्हाट इज a प्लस b, आई वांट टू नो व्हाट इज a प्लस b वेक्टर, मतलब a प्लस बी का मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए और a प्लस बी का मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, इजंट इट, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और a प्लस बी का मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो पहले कैसे करूं, पहले कार्टिजन सिस्टम के हिसाब से करूं या जो कल पढ़ाया था वैसे करूं, है ना। अब मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलोगे, पर पहले इसको आज कार्टिजन वाले तरीके से करते हैं जो अभी हमने ताजा ताजा सीखा है, है ना। तो यहां देखो दोस्तों, ध्यान से समझना, अगर ये चीज समझ जाओगे तो वेक्टर में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं सारी सॉल्व हो जाएंगी आप लोगों की। मुझे पता है आज भी कई लोग वेक्टर से डरते हैं, है ना, वो क्यों डरते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं है भाई आप लोगों के, है ना। तो बेसिक्स पे अटैक करने की कोशिश करता हूं मैं, है ना। मैकेनिक्स का जो सिलेबस आपको शुरू में डिस्प्ले किया था ना, वो 10 दिन के अंदर खत्म करवा सकता हूं, बट सिर्फ सिलेबस खत्म करवाना ही मेरा मकसद नहीं होता, ये आप में से बहुत लोग मेरे बारे में ये चीज जानते हो, क्लियर है। अब देखो जरा, ठीक है, और लैमिनार बैच है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो 11, 12 कुछ नहीं पढ़ के आया, 9, 10 जिसका बर्बाद है, पर मम्मी पापा ने कहा है कि इंजीनियर बनना है, उसको अच्छे से इंजीनियरिंग करनी है, तो उसको टारगेट करता है हमारा लैमिनार बैच, क्लियर है कि नहीं है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई बच्चा हल्का सा भी सिंसियर है तो उसको समझ में आना ही चाहिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़ाना है, है ना। पर फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ तो हम पढ़ा रहे हैं जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू बाय योर ओन हैंड। कल मैंने आपको बुक बताई थी बहुत प्यारी, एच सी वर्मा, वही बुक उठा करके आपने आज क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, क्लियर है कि नहीं है। कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स हैं इसकी, एच सी वर्मा के फोर्थ चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर होगा एच सी वर्मा में, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 2, है ना, चैप्टर का नाम है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, है ना। तो जितने भी इंजीनियरिंग आप कर रहे हो स्टूडेंट्स, इनके लिए मस्ट है ये चैप्टर, 11th क्लास की फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 में जाओगे तो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर मैं आज बात कर रहा हूं आपकी, क्लियर है। चलो, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, तो सिंपल है कि हमें आर निकालना है, ए प्लस बी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ए प्लस बी 2 और 4 6i, 4 और 2 6i, तो अब बताओ r का डायरेक्शन कितना हो गया, r का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ये हो गया अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 6 रूट 2, और ये आ जाता है मेरे पास अंडर रूट 8.48, कितना आ गया ये 8.48 यूनिट। अच्छा, इसका एंगल भी देख लो भाई, एंगल के लिए क्या बताया था कि phi जो होगा दैट वुड बी tan इनवर्स ऑफ j का कोफिशियंट अपॉन i का कोफिशियंट विद रिस्पेक्ट टू i, i से एंगल निकालना है तो कितना हो जाएगा j का कोफिशियंट अपॉन i का कोफिशियंट, तो ये हो जाएगा मेरे पास 45 डिग्री या 135 डिग्री, है ना। पहले कोऑर्डिनेट में अभी अपने आप को स्टिक करके रखता हूँ, 45 डिग्री इज द एंगल। सो दिस इज टुडेज अप्रोच, समझ में आया, ये आज का अप्रोच है,
मैंने ए प्लस बी को ऐड कर दिया कार्टेशियन सिस्टम में ही, फिर इस कार्टेशियन सिस्टम में जो आंसर आया इसका मैंने मैग्नीट्यूड निकाला और इसका मैंने डायरेक्शन निकाला. दिस इज अप्रोच नंबर वन, इजंट इट, दिस इज माय अप्रोच नंबर वन. ठीक है, अब मैंने कल क्या किया था, अब वो भी देख लेते हैं. कल मैंने क्या किया था, कल के हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो सी हियर माय डियर फ्रेंड, अभी देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. ओके, सी हियर, मेरे पास एक वेक्टर है, मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस. जूम करके बनाऊंगा और ये है मेरे पास वाई एक्सिस. पहला है मेरे पास एक्स एक्सिस और दूसरा है मेरे पास वाई एक्सिस. पहला वेक्टर बनाया मैंने कितना, ए, ए कितना है 2i+4j, 2i+4j मतलब ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये मैग्नीट्यूड होगा इसका अंडर रूट टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर कितना आ गया 4.47. तो 4.47 और इसका एंगल क्या होगा, इसका एंगल क्या होगा, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से बता दो इसका एंगल कितना होगा, इसका एंगल होगा मेरे पास tan inverse of 4/2 मतलब कि 63.43 डिग्री. तो मेरे पास एक वेक्टर है, हटाओ यार इसको, मेरे पास एक वेक्टर है जिसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है 63.43 डिग्री और जिसका मैग्नीट्यूड है मेरे पास कितना, इसका मैग्नीट्यूड है 63.43, इसका एंगल जो है दैट इज 63. क्या हो रहा है भाई, लगता जवाब नहीं देने वाले हो आप लोग इसलिए ऐसा हो रहा है. एंगल कितना बताया मैंने इसका भी आपको 63.43 डिग्री. और इसका रिजल्टेंट कितना बताया मैंने आपको, इसका रिजल्टेंट होगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 4.47. यूनिट. ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा वेक्टर, ये हो गया मेरे पास ए वेक्टर. ठीक है, दिस इज माय ए वेक्टर. ध्यान से सुनते जाना दोस्त. अब बी वेक्टर के पास चलते हैं, बी वेक्टर बोल रहा है कि 4i+2j ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम है अंडर रूट 4² + 2² बट इसका डायरेक्शन कितना होगा, डायरेक्शन होगा इसका 2/4 मतलब कि tan इनवर्स ऑफ 1/2 और tan इनवर्स ऑफ 1/2 होगा मेरे पास 26.56 डिग्री. दिस वुड बी सेम इन लेंथ बट इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 4.47 इट इज B और इसका जो एंगल होगा दैट वुड बी हाउ मच 26.565 डिग्री. तो ये मेरा वेक्टर A है, ये मेरा वेक्टर B है, ये मेरा वेक्टर A है और ये मेरा वेक्टर B है. तो इन दोनों के बीच में अगर मैं आपसे एंगल पूछूंगा तो A एंड B वेक्टर के बीच में जो एंगल है दैट वुड बी 63.43 डिग्री माइनस 26.57 डिग्री, इज इट इट भाई. यहां से यहां 63.43 है और यहां से यहां 26.57 है. So difference would be how much? Difference would be 63.43 minus 26.57. So it is going to be equal to 36.86. So it is equal to 36.86 degree. और कल मैंने आपको बताई थी एक बात भाई,
कि अगर इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आपने निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी का, तो ये रिजल्टेंट आपका निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ पहले का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 36.86 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू बताते रहना भाई 4.47 स्क्वायर प्लस 4.47 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4.47 इंटू 4.47 इंटू कॉस 36.86 डिग्री. सो कह रहा है सिंटेक्स एरर. ओके सिंटेक्स एरर बोला जा रहा है, जस्ट ए मिनट. So it is coming out to be 8.48. So it is coming out to be, my dear friend, 8.48 units. Okay. So क्या check करेंगे? पहले भी मेरे पास answer 8.48 आया था क्या? जी हाँ, पहले भी मेरे पास answer जो निकल के आया था, that was 8.48 unit. और आज भी answer कितना निकल के आया है? 8.48 unit. क्या ये visible है? क्या ये visible है to all of you? Yes, it is visible. सिस्टम के नीचे नहीं जा रहा है, विजिबल है. ओके गुड. सो नाउ नेक्स्ट थिंग इज एंगल. व्हाट अबाउट एंगल? अगर आपने इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, देन दैट एंगल यू कैन कैलकुलेट बाय डूइंग tan phi इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4.47 इंटू साइन 36.86. तो ये दिक्कत है इसमें, स्क्रीन देखना पड़ेगा. अच्छा दिख रहा है आपको? ओके. डिवाइडेड बाय 4.47 प्लस 4.47 इंटू कॉस 36.86. और ये एंगल मिलेगा आपको बी के रेफरेंस से. ये एंगल आपको कहां से मिलेगा? बेस वेक्टर से, बी के रेफरेंस से. सो दिस फाइव इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? ये फाइ कितना आ रहा है दोस्त, जरा ये बता दीजिए. इट इज टेन इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में आएगा 4.47 इंटू साइन 36.86 डिवाइडेड बाय, डेनोमीटर में आएगा 4.47 प्लस 4.47 इंटू कॉस 36.86. सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? This into sine 18.43. तो ये यहां से आ रहा है 18.43 मेरे दोस्तों, ये यहां से आ रहा है 18.43. तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालने का कोशिश करोगे ना, इधर से 18.43 प्लस 26 कर दो, प्लस 26. So it is coming out to be 44.999, मतलब 45 degree. So this angle is coming out to be 45 degree. और देखो ना यार, अगर आप पैरेललोग्राम भी बनाते, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते और इसके पैरेलल भी एक लाइन खींचते, तो तब भी आपका जो आंसर आता, it would have been in the same direction. ओके, इट वुड हैव बीन इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर आप ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, देन माय डियर फ्रेंड यू वुड बी गेटिंग सेम, यू वुड बी गेटिंग सेम. ओके सो इट इज 18 डिग्री, इट इज 18 डिग्री फ्रॉम हेयर and from here it is 45 degree. Is it clear to all? Tell me. अरे बोलो दोस्तों, क्या फंडा क्लियर है कि नहीं? क्या फंडा क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके ग्रेट.
So it doesn't matter whether you are solving the question in the Cartesian system or in the normal system, you are going to get the same magnitude of the resultant. You are going to get the same magnitude or same value of the orientation of the resultant. Is it clear to all my dear friends? Okay. So दोस्तों अभी मैंने आपको बताया वेक्टर को ऐड करना. इसी तरीके से इफ यू वांट टू सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स देन व्हाट यू हैव टू डू, है ना. तो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने के लिए वी विल बी डूइंग, सपोज दिस इज माय वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज माय वेक्टर बी. And instead of addition, I want to do subtraction. अगर addition की बजाय मुझे इन दोनों को घटाना हो, then किस तरीके से मैं यहाँ पे काम करूँ? One thing is sure, if I am going to draw this, then this is going to be the resultant. This is going to be the resultant, and this resultant will be called of A plus B. This will be called of A plus B. What about A plus B? If this is A plus B, then what about A minus B? Who will tell me? Jaldi comment dekh raha hu main aap logon ke. Matlab dekhunga abhi 10 baje. What about A vector minus B vector? Tell me guys. Kis tarike se aap isko nikalne wale ho? ठीक है, तो कुछ नहीं करना. a माइनस बी, अगर किसी वेक्टर को मैं बोल रहा हूं कि ये पॉजिटिव वेक्टर है और ये जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो नेगेटिव वेक्टर उसका क्या होगा, जो वेस्ट की तरफ जाएगा. अगर मेरे पास कोई वेक्टर है जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, जो साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा. अगर कोई मेरे पास वेक्टर है जो नॉर्थ में जा रहा है, तो उसका नेगेटिव क्या आएगा, जो कि साउथ में जाएगा. इज इट इट. Suppose if I want to perform operation A minus B, then what can I do? I can write A vector plus negative of B vector. A vector plus negative of B vector. And my dear friend, if I want to represent the negative of B, then I have to represent it like this. ये मेरा B था, इसको मैं दिखाऊंगा ऐसे, कुछ इस तरीके से इसको मैं दिखाऊंगा. इट वुड बी सेम इन द मैग्नीट्यूड, बट माइनस मतलब डायरेक्शन इज 180 डिग्री रिवर्स्ड. इट इज माइनस बी वेक्टर. नाउ अल्टीमेटली इफ यू आर गोइंग टू ऐड ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, देन यू आर गोइंग इवेंचुअली ए माइनस बी ओनली. एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द रिजल्टेंट हियर माई डियर फ्रेंड, देन इट वुड बी दिस वन पैरेललोग्राम से, और एक होगा आपका ये. सो यू कैन सी हियर दैट रिजल्टेंट हियर इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस वन, और दिस एंड दिस आर डिटो सेम, सो हियर दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज वेल एज दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. और व्हाट कैन आई डू in the parallelogram law of addition, the major diagonal is going to give you the resultant vector. One diagonal is going to give you a plus b, and the another diagonal is going to give you a minus b. Ek aapko de raha a plus b, this is you can see a plus b, and this one is a minus b. Okay, or what you can do, if you are going to subtract your theta from 180 degree, because you have to reverse the direction of one vector by 180 degree. So angle between A and B is theta. And similarly, if you want to calculate the angle between A and B dash with negative sign, then it would be 180 minus theta. So if you are replacing theta simply by 180 minus theta, then you are going to get A vector minus B vector. So this is the another way. Okay. So मैंने आपको दो तरीके बताए. One thing is find the another diagonal, you would be getting a minus b vector, or while calculating the resultant simply replace theta by 180 minus theta in order to get the magnitude of the resultant a minus b. Okay,
बेस्ड ऑन दिस ओनली, चलो इसको तो कल करेंगे, बट ऑन दिस वी हैव टू डू वन न्यूमेरिकल. बेस्ड ऑन दिस ओनली माय डियर फ्रेंड, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सो देयर आर टू वेक्टर्स व्हिच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा विद ईच अदर. सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट एंड सॉल्व इट. और मैं एक एक करके इसको सॉल्व करता हूँ अभी. और सेकंड क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आप लोग स्नैपशॉट लीजिए और सॉल्व कर रहे हो अभी, ठीक है? चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? सेकंड इज प्रॉब्लम नंबर टू. टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स एज वेल एज द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, है ना? तो दो क्वेश्चन अभी आपको करवा रहा हूं. इन दोनों क्वेश्चन से हम समझेंगे जो कल और आज हमने पढ़ा. क्लियर है? चलिए जल्दी बताइए भाई. आई होप आज साउंड मेरा इको नहीं कर रहा होगा, वॉइस क्लैरिटी अच्छी होगी और वीडियो क्लैरिटी भी मुझे लगता है आज ठीक होगी. ओके, तो चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इन क्वेश्चंस को वन बाय वन. तो टाइम का भी आइडिया नहीं लग रहा कि कितने लंबा स्लॉट है आप लोगों का, ठीक है? तो 10 मिनट में रैप करता हूं. सी हियर, पहला वाला देखिए. टू वेक्टर्स विच आर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ए एंड एट एन एंगल थीटा विद ईच अदर. यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. सॉल्व इट. ओके, चलो मैं कर रहा हूं सॉल्व इसको. देखिए जरा सब लोग यहाँ पे ध्यान से. तो दो वेक्टर दे रखे हैं आपको जिनका मैग्नीट्यूड ए है और उनका एंगल कितना है थीटा विद ईच अदर. यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस टू वेक्टर्स हियर. सो दिस इज माय वेक्टर नंबर ए. ओके, जिसका मैग्नीट्यूड आपको ए दे रखा है. दिस इज अगेन योर वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड भी आपको दे रखा है ए के बराबर, ठीक है? बीच का एंगल कितना दे रखा है आप लोगों को थीटा. बीच का एंगल कितना दे रखा है थीटा, माय डियर फ्रेंड्स. नाउ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू. इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, इसमें लगा लो. ओके, यस. सो इट्स रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी इक्वल टू समवेयर हियर. एग्जैक्ट अगर आपको ओरिएंटेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन ड्रॉ हियर द पैरेललोग्राम. तो वन पैरेललोग्राम कुछ ऐसा एंड रिजल्टेंट इज दिस मच. रिजल्टेंट इज दिस मच. So here this R is equal to under root of, लिख दो भाई अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए, a square plus b square plus 2 into a into b into cos theta. So इसको आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके पे लिख सकते हो, लाइक 2a square कॉमन ले लो 1 plus cos theta. So it is 2a square 2 cos square theta by 2. So 2 common ले लिया. इसको मत काट देना भाई, ठीक है ना? theta by 2 है ये, a cos theta by 2. So this is the magnitude of the resultant. So इसका जो black से जो मैंने यहाँ बनाया है, इसका जो magnitude होगा that would be 2a cos theta by 2, isn't it? And what about its orientation? What about its angle? So if this is angle phi, then my dear friend, tan phi can be written as how much? It is a cos theta. Sorry, it is a sine theta
ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए जो कि सेम है कॉस थीटा, सो टेन फाई इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा लिख लो, टेन फाई इज इक्वल टू दिस इज साइन फाई साइन थीटा, साइन थीटा बोले तो टू कॉस थीटा बाय टू साइन थीटा बाय टू एंड वन प्लस कॉस थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो एक से गुणा दो, एक से गुणा दो, तो टेन फाइव इज इक्वल टू टेन थीटा बाय टू। सो यू कैन से हियर दैट फाइव इज इक्वल टू थीटा बाय टू, इजंट इट? सो फाइव इज इक्वल टू, माय डियर फ्रेंड, इट इज थीटा बाय टू, या ऐसे कह सकते हो और एक्यूरेटली मैथमेटिकली इफ यू वांट टू बी मोर एक्यूरेट देन फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ, क्लियर है? तो फाइव इज इक्वल टू थीटा बाय टू, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना। सो दिस अगर दोनों वेक्टर किसी एंगल पे सेम मैग्नीट्यूड रखेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट का एंगल होगा वो पूरे एंगल का आधा हो जाएगा, दिस इज व्हाट दे वांट टू से। एंड रिगार्डिंग इट्स मैग्नीट्यूड इट इज ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा बाय टू, इज इट क्लियर? आई होप सबका आया होगा, ये कर लिया सबने, कर लिया सबने? चलो आई होप खुद से भी ये आंसर आया हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर जो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया एंड द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो दो पार्ट है, पहले सम निकालो और फिर डिफरेंस निकालो, है ना, इन दोनों का आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। तो सम अगर आपने करना है, पहली बात तो ये जानो कि दो वेक्टर्स हैं, so one is 5 unit, another is also 5 unit and angle between them is 60 degree. So a plus b, how you are going to calculate a plus b? So a plus b is equal to, a plus b is equal to under root of 5 square, मतलब a square plus b square plus 2 into a into b into cos theta, और ये हो जाएगा मेरे पास under root of कितना हो जाएगा 5 square फॉर 2 इंटू 5 स्क्वायर। सॉल्व भी कर दो यार इसको, कैलकुलेटर से कर देते हैं, आपको फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है, जल्दी बता दो भाई। फाइव स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस 60 डिग्री, so I think it is going to be 8.66, it is going to be equal to 8.66, check करना जरा 5 root 2 आ रहा है क्या, it is equal to 5, no, not 5 root 2, so how much it is, मतलब कि 8.67, ओके, दिस इज फर्स्ट केस, है ना। अच्छा डिफरेंस कैसे निकालोगे ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डिफरेंस। अभी अभी बताया था कि डिफरेंस के लिए क्या करना है, जस्ट सी हियर, डिफरेंस के लिए क्या करना था, एक वेक्टर को 180 डिग्री से रिवर्स कर देना है, जैसे a माइनस b पूछा है ना, तो b को प्लस b की जगह माइनस b से ऐसे रिप्रेजेंट करना है ना। आइदर यू कैन टेक द रिवाइज एंगल और यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर डायगनल, सो आई एम गोइंग टू टेक हियर द रिवाइज एंगल, सो रिवाइज एंगल हेयर वुड बी लाइक दिस, ये b है तो ये कितना हो जाएगा माइनस b, है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 120 डिग्री पे जो ये आएगा दैट वुड बी ए माइनस बी,
So now if you want to calculate the revised resultant, means A minus B ka magnitude, then it is equal to under root of A square plus B square plus 2 into A into B into cos 120 degree. And cos 120 degree is minus 1 by 2. So it is 5 unit. है ना, मतलब ये एक रोम्बस है 5 5, इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज 5 5 5 इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड दिस इज 5 root 2. इज इट क्लियर टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स? इज इट क्लियर? सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए माइनस बी, मतलब 5 वेक्टर माइनस 5 वेक्टर विच आर एक्चुअली इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एंड दिस इज 5 vector plus 5 vector which are inclined at an angle of 60 degree. This is 5 vector minus 5 vector which are inclined at 120 degree, you can say. Isn't it? Is it okay to all my dear friends? Tell me. Clear hai? Chalo. Ab iske baad I will talk about. Achha, ye bhi kari do yaar. Problem number 3. This is again a simple problem. We can do it. A force of 10.5 newton acts on a particular along a direction making an angle 37 degree with the vertical. Find the component of the force in the vertical direction. है ना? एक force है मेरे पास. वैसे resolution में कराऊंगा ये. It is of magnitude 10.5 newton. तो ये वर्टिकल एक्सिस से ना कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल एक्सिस से एंगल बना रहा है मेरे पास. हाउ मच दिस एंगल इज, तो आपसे बोला जा रहा है ये वैल्यू कितनी होगी. So this is 10.5 cos 37. Resolve तो करना है यार. कितना हो जाएगा ये 10.5 into cos 37 कितना 4 by 5 होता है cos 37. ना yes 4 by 5. So it is coming out to be 8.4 न्यूटन. देखो कुछ नहीं है, छाया है. अगर 10.5 न्यूटन का आपके पास कोई लेंथ दे रखा है, अगर आपने यहां से टॉर्च मारो ना इस दीवार पे, तो इस दीवार पे जितनी छाया की लेंथ है दैट इज नथिंग बट इट्स बेस प्रोजेक्शन. यहां से टॉर्च मारोगे जितना ये छाया आएगा दैट इज नथिंग बट इट्स साइन एंगल प्रोजेक्शन, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया 53 डिग्री. सो दिस इज नथिंग बट 10.5 इनटू साइन 53 डिग्री. And this is your vertical projection. So 8.4 newton is going to be the answer here, my dear friends. Okay? चलिए. तो दोस्तों कल बात करेंगे हम लोग दो चीजों के ऊपर. मैं आज के लिए प्लान करके आया था. One is about the type of products, means dot product as well as your scalar product. तो इन दोनों product के ऊपर में कल हम लोग बात करने वाले हैं, dot product और cross product के ऊपर. और इनके ऊपर करेंगे कुछ numericals. Then we will be talking about the resolution of the forces, है ना? तो कल मैं आपको नोट्स भेजता हूँ 3 दिनों के कंबाइंड करके, है ना, क्लब करके. एक दिन में बहुत छोटे छोटे नोट्स हो जाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ तीनों लेक्चर के क्लब करके मैं आपको नोट्स भेजूंगा आफ्टर योर क्लास. इजंट इट? सो दीज आर माई टुमारोज टॉपिक. एक रहेगा मेरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. कोई प्रोडक्ट बेचने नहीं आऊंगा, वैक्टर के प्रोडक्ट्स बताऊंगा, क्रॉस क्या होता है एंड डॉट क्या होता है. आफ्टर दैट वी विल बी डूइंग रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स व्हिच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द वेरियस एस्पेक्ट. ओके, रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स. एंड नाउ माय डियर फ्रेंड्स कम हियर, दिस इज आवर अनअकैडमी गेट सी सम ऑफ द फेमस प्लेलिस्ट. यू कैन सी हियर
आपको हमने पढ़ाया है अन अकेडमी गेट सी पे फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, आरसीसी इन इंग्लिश, आरसीसी इन हिंदी, ओपन चैनल फ्लो, इरीगेशन स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का आपको नया वाला पोर्शन बताया गया है, एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, हाईवे इंजीनियरिंग, है ना। और अभी मैनी मोर प्लेलिस्ट आर कमिंग ऑन गोइंग, ठीक है। और ये देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि लास्ट में मैं आपको प्राइसेस बताऊंगा, सो माय डियर फ्रेंड, फॉर प्लस कोर्सेज आफ्टर अप्लाइंग एस 10 यू हैव टू गिव 27,225, एंड फॉर 18 मंथ कोर्स यू हैव टू गिव 34,650, एंड फॉर 24 मंथ यू हैव टू पे 39,600। दीज आर द सब्सक्रिप्शन चार्जेस, ओके, फॉर 12, 18 एंड 24 मंथ रिस्पेक्टिवली आफ्टर अप्लाइंग, आफ्टर यूजिंग दिस ब्यूटीफुल कोड विच इज S10। S10 लगाने के बाद यू गाइस हैव टू पे दिस मच अमाउंट। एंड रिगार्डिंग द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन माय डियर फ्रेंड, फॉर 12 मंथ आफ्टर अप्लाइंग S10 यू हैव टू पे 45,225, एंड फॉर 2 ईयर प्रोग्राम फॉर आइकॉनिक यू हैव टू पे 666,000। एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दिस कोड इज यूनिवर्सल कोड एट अन अकेडमी, इट इज यूनिवर्सल कोड एट अन अकेडमी, do not hesitate it before promoting it or using it, okay, so not only for GATE and ESE but for all types of subscription this S10 is going to work very very well. Is it fine my dear friend? And you can always follow me on unacademy @sharmaishwarya1049, and this is our official telegram channel, and this is our official ye channel bahut important hai, okay, notes wagera sab yahi pe aayenge. And this is our official YouTube channels. And right now you are watching this lecture on An Academy Gate CE. और नहीं किया है अगर आपने ये channel subscribe, then subscribe it now, my dear friend. Okay? So be interactive in the sessions. All the best. मैं आता हूँ, मिलता हूँ आपसे इस session के दौरान. Bye bye. Thanks a lot, my dear friend. Have a great day. Stay safe. And don't go outside if it is not required.